अपने टावर में होते टाइम टिनासा ऑस्कर से कहती है, आई एम सॉरी ऑस्कर, तुम्हारी छुट्टी के दिन भी तुम्हें मेरा मदद करना पड़ रहा है। ऑस्कर कहता है, नहीं ये ठीक है। ये सुन के टिनासा उसके सर पे किस करती है। उन सामान में से ऑस्कर को एक बक्सा मिलता है जिसमें खून लगा था। इसके अंदर खून से लिपटा एक लॉकेट है। इसमें लिखा हुआ है आयती। ये उस टाइम का है जब टिनासा एक छोटी बच्ची थी और लनक ने उसके पेट में चाकू घुसा दिया था। इसके बाद उसे एक ऑर्ब मिलता है। वो सोचता है, मैंने इसे कहीं तो देखा था। अचानक वो ऑर्ब चमकने लगता है। टिनासा ये देखकर तुरंत कोई मैजिक कास्ट करने वाली थी, पर बहुत देर हो जाता है। ऑस्कर किसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। ये प्राचीन समय का टोल्डर राज्य है। वो रात को छोटी टिनासा के कमरे में आ जाता है। टिनासा डरकर उस पर मैजिक से अटैक करती है। ऑस्कर खुद को आकाशिया से प्रोटेक्ट करता है और टिनासा के पास आकर कहता है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ टिनासा। टिनासा समझ जाती है और पूछती है, तुम कौन हो? ऑस्कर कहता है, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड। टिनासा कहती है, क्या तुम्हारे सर पे चोट लगा है? ऑस्कर कहता है, अगर मैं सपना देख रहा होता तो मैं अभी उठ जाना पसंद करता। मैंने टाउन में किसी से सुना कि ये टोल्डर कैलेंडर के हिसाब से साल 236 है। मैं टोल्डर टाइम के साल 654 से हूँ। टिनासा पूछती है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम 400 साल बाद वाले भविष्य से यहाँ आए हो? पर ऐसा कोई मैजिक नहीं है जिससे तुम टाइम में वापस जा सको, ये असंभव है। ऑस्कर कहता है, देखा जाए तो तुम मेरी एक लौती आशा हो, मुझे मेरे ओरिजिनल टाइम में वापस भेज दो। टिनासा कहती है, मैंने कहा तुम समय में वापस नहीं जा सकते, इसका कोई रास्ता नहीं है। फिर भी मैं देखती हूँ, जब तक मुझे कुछ मिल नहीं जाता तब तक तुम यहाँ रह सकते हो, वैसे भी यहाँ कोई भी नहीं आता है। ऑस्कर टिनासा को थोड़ा सहलाता है। टिनासा कहती है, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है? ऑस्कर कहता है, शुक्रिया, पर तुम्हें अनजान लोगों के सामने अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। टिनासा कहती है, तुम्हें ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। टिनासा को जमाई लेते देख ऑस्कर कहता है, सोने चली जाओ, मैं कोई खाली कमरा ढूंढ लूंगा। टिनासा कहती है, क्या यहाँ रहो, मैं बहुत छोटी हूँ तो तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, या तुम छोटे बच्चियों में भी इंटरेस्टेड हो? ऑस्कर कहता है, ऐसे लोगों को अक्यूज मत करो, तुम कितने साल की हो? टिनासा कहती है, 13 साल की। ये सुन के ऑस्कर को कुछ याद आ जाता है। वो कहता है, जल्दी सोने चली जाओ, तुम सुबह जल्दी उठने वालों में से नहीं हो ना। टिनासा कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? वो बेड पर सो जाती है। ऑस्कर उसके साइड पे बैठकर उसे गुड नाइट कहता है। टिनासा कहती है, गुड नाइट, तुम बहुत ऑड हो। सुबह टिनासा ऑस्कर को ब्रेकफास्ट बना के देती है। ऑस्कर पूछता है, तो रानी के कैंडिडेट के हिसाब से तुम्हें ये सब करना पड़ता है? टिनासा कहती है, हाँ, मेरी हत्या होने का संभावना है, इसीलिए मैं सब अपने आप ही सीख रही हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, इस देश के लोग मेरे साथ है। अच्छे से पढ़ाई करके लोगों की सेवा करूंगी और उनकी रक्षा करूंगी। ऑस्कर जब ये चाय पीता है, उसे बड़ी वाली टिनासा की याद आ जाती है। वो पूछता है, तुम्हारा दूसरा जन्मदिन आने को और कितना दिन बचा है? टिनासा कहती है, आधा साल। ऑस्कर इस युग में रह के टिनासा को उस दुर्घटना से बचाने का सोचता है। बुक्स लेते टाइम टिनासा ऑस्कर को उस तलवार के बारे में पूछती है। ऑस्कर कहता है, इस तलवार पर मैजिक काम नहीं करता है। टिनासा कहती है, इस पूरी दुनिया में ऐसा तो बस एक ही तलवार है, और वो है फारासास का आकाशिया। क्या तुम फारासास के रॉयल फैमिली से हो? ऑस्कर हाँ कहता है। टिनासा इस पर अपना मैजिक यूज करती है और उसकी मैजिक वैनिश हो जाती है। ऑस्कर कहता है, याद आया, मुझे एक रेड वाला ऑर्ब मिला था फारासास में। टिनासा कहती है, तो हमें फारासास जाकर उसे ढूंढना होगा। ऑस्कर कहता है, मेरी माँ उसे फारासास में लाई थी, तो ये अभी के फारासास में नहीं होगा, और वैसे भी मैंने ब्लू वाले को छुआ था, मुझे लगता है वो टोल्डर ट्रेजरी से है। टिनासा कहती है, राजा के आदेश के बिना
कोई भी वहाँ जा नहीं सकता है और इसमें मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। ऑस्कर उसके सर पे हाथ रख कर कहता है, मैं समझ सकता हूँ। टीनासा इस टाइम ऑस्कर के बॉडी पे पड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉर्स और ब्लेसिंग को देख लेती है। ऑस्कर कहता है, हाँ बचपन में मेरे ऊपर एक ब्लेसिंग पड़ा था, फिर इसे कैंसिल करने के लिए एक कॉर्स पड़ा। ऐसे कुछ बातचीत करने के बाद ऑस्कर उसे तलवारबाजी सीखने को कहता है जो उसके भविष्य में काम आएगा। टीनासा ये सीखने के लिए राजी हो जाती है। टीनासा उसके ब्लड के ऊपर रिसर्च करती है। इन दोनों का टाइम अक्सर तलवारबाजी सीखना, चाय के साथ गप्पे मारना और नरका के साथ खेलते हुए बीतता है। टीनासा पूछती है, मैं भविष्य में कैसी होंगी? ऑस्कर कहता है, एक सुंदर औरत, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। टीनासा कहती है, मुझे ये शादी वगैरह वाली बातों पर यकीन नहीं है। मुझे कमरे में जाना होगा, मैं भूल गई थी कि लनक आने वाला है। वो अक्सर बिजी रहता है पर कभी कभी मुझसे मिलने भी आता है। लनक टीनासा को एक लॉकेट देता है और उसके साथ कुछ प्यार भरी बातें करके चला जाता है। टीनासा ऑस्कर को ये लॉकेट दिखाती है और कहती है, मैंने लनक से मुझे ट्रेजरी में जाने देने को कहा है। ऑस्कर कहता है, उस आदमी पर भरोसा मत करो। टीनासा कहती है, क्यों नहीं, तुम लनक के बारे में कुछ नहीं जानते, वो मेरा एक लौता फैमिली है। ऑस्कर कहता है, वो तुम्हें चोट पहुंचाने वाला है। टीनासा ये जान के हैरान होती है पर वो इस बात पर भरोसा नहीं कर पाती है क्योंकि इस अकेलेपन में लनक ही उसका एक लौता साथी है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। ऑस्कर कहता है, रिलैक्स टीनासा, तुम भविष्य में अकेली नहीं रहोगी, ये मेरा गारंटी है। रात को ऑस्कर उसे सुला देता है। सुबह टीनासा ऑस्कर से माफी मांगती है और ये भी कहती है कि वो अब ट्रेजरी में जा सकती है। ट्रेजरी से वापस आकर वो कहती है, ऑस्कर मुझे वो मिल गया, एक बड़ा ब्लू ऑर्ब। मैं ये अपने साथ नहीं ला सकती थी पर मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। दिन के आखिर में घुस बेटियों के खिलाफ लगाया गया जादू एक घंटे के लिए गायब हो जाएगा। ऑस्कर कहता है, यानी मैं खुद वहां जा सकता हूँ, फाइनली मैं तुमसे मिल पाऊंगा। रात को टीनासा पूछती है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? ऑस्कर कहता है, हाँ ये सच है, आज से 400 साल बाद साल 527 में। वो जाते हुए कहता है, उस लनक के साथ ज्यादा मत घूमना। टीनासा कहती है, मेरा पापा बनने की कोशिश मत करो। ऑस्कर कहता है, मैं तुम्हारा पापा या भाई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बाद में मिलूंगा। ऑस्कर के जाने के बाद लनक टीनासा के कमरे में आता है और उसे जगा हुआ देख के हैरान होता है। ऑस्कर को वो ऑर्ब मिल जाता है। भविष्य में जाने से पहले वो खुद से कहता है, रुको मैं यहाँ क्यों आया था, क्या मुझे उसे उस दुर्घटना से नहीं बचाना चाहिए? पर 400 साल बाद भी वो खुश रहेगी, अगर मैं वापस चला जाऊंगा तो भी वो खुश होगी। 400 साल कितना लंबा समय है ना। तभी वो ऑर्ब चमकने लगता है। ऑस्कर कहता है, रुको मैं अभी। चारों तरफ रोशनी से सफेद हो जाता है। दूसरी ओर लनक पूरा इंतजाम करके टीनासा को चाकू से स्टाब करने वाला था कि तभी ऑस्कर आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है और टीनासा से कहता है, इसीलिए ही मैंने तुम्हें इससे दूर रहने को कहा था, अब सब मुझ पर छोड़ दो। वो उन जादूगरों से लड़ते हुए टीनासा को प्रोटेक्ट करता है और उसे कहता है, एक शील्ड बनाओ और खुद को प्रोटेक्ट करो। लनक हंसते हुए कहता है, अहिति पता नहीं तुम्हें ये बंदा कहाँ से मिल गया, तुम्हें तो बस मेरे लिए जीना चाहिए था। ऑस्कर कहता है, ताकि वो तुम्हारे लिए बलिदान दे सके और उसके मांस और खून मैजिकल पावर को समन करने के काम में आ सके। टीनासा उस पर से मूव ऑन कर लो, साहस के साथ जियो और मुझ पर भरोसा रखो। टीनासा लनक से कहती है, नफरत और प्यार सबके लिए शुक्रिया। वो अपने मैजिक से उस पर हमला करने वाली थी। लनक अपने साथी जादूगर को मैजिक कास्ट करने को कहता है और उन मैजिकल पावर्स को पाने के लिए अपने आप को खंजर से स्टाप करता है पर वो इन पावरफुल मैजिक को संभाल नहीं पाता है और आखिरकार मर जाता है। जादू का वो बबंडर अभी भी थमा नहीं था। टीनासा कहती है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पूरा टूल्डर ही तबाह हो जाएगा। ऑस्कर कहता है, इसे अपने कंट्रोल में लाओ। टीनासा कहती है, ये असंभव है,
मैं ये नहीं कर सकती, तुमने देखा ना लनक के साथ क्या हुआ। ऑस्कर कहता है, तुम ये कर सकती हो, तुम्हारे पास वो ताकत है, ये तुम्हारा देश है, अभी भी समय है, तुम इसे जरूर बचाओगी। ऑस्कर के साथ टिनासा इसे रोकने का कोशिश करती है, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी। उसके आंखें खुलती है और वो सामने ऑस्कर को देखती है। ऑस्कर उसे किस करता है और कहता है, आखिर में मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया था, तो हम फिर से कभी नहीं मिल पाएंगे। टिनासा कहती है, क्यों नहीं, तुम्हें बस समय में वापस जाना होगा, है ना। ऑस्कर कहता है, मैं कहीं नहीं जा सकता, मेरे आते वक्त ही ये गायब हो गया था। एक बार मैंने टिनासा से एक गांव के लोक कथा के बारे में पूछा था, एक तलवारबाज जो अपने माँ को बचाने के लिए समय में पीछे आया था, वह अचानक गायब क्यों हो गया। जवाब साफ है, ये दुनिया दो टाइम ब्रांच में बट नहीं सकता है। अतीत को बदलने के कोशिश में तुम समय में पीछे जाओगे तो उसी क्षण ही नया इतिहास शुरू हो जाएगा। जिस टाइम वो मैजिक स्पेयर एक्टिव हुआ, वो दुनिया जहाँ से मैं आया था वो तबाह हो गया। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है, अब मैं जल्दी गायब हो जाऊंगा। अगर मुझे उस मैजिक स्पेयर का पावर पता होता तो मैं उसे अतीत को बदलने के लिए चुनता ही नहीं। वो रास्ता जिससे वो चुड़ैल बनी थी वो खत्म हुआ, जो दर्द उसने सहा था वो खत्म हो चुका है। मैं हमेशा तुम्हारे सबसे मुश्किल वक्त में तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, मुझे इस परिणाम का पश्चाताप नहीं है। एक अच्छी रानी बनना टिनासा, तुम्हारे पास वो ताकत है, जो रियलिटी मैंने तुम्हारे साथ बिताया है वो कभी नहीं मिटेगा। अगर तुम भूल जाओ, अगर मैं भूल जाऊँ, अगर हम ना भी मिले, तो भी मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए प्यार करता रहूंगा। टिनासा का रोना खत्म ही नहीं हो रहा था, वो बार बार बस यही कह रही थी कि तुम मत जाओ, पर उसके पलक झपकते ही ऑस्कर गायब हो जाता है। ये था टिनासा की अननेम्ड मेमोरी। इसके बाद वो बड़ी होकर कई लड़ाइयां लड़ी, बहुत से जंग में हिस्सा लिया। वो लुक्रेजिया के खिलाफ लड़ी और ट्राविस के खिलाफ भी। फिर आखिरकार वो इस टूलदार देश की रानी बनी। देश के प्रजा बहुत खुश थे। एक चुड़ैल जो नीले टावर में रहती थी, एक राजकुमार जो एक कोर्स में फंसा हुआ था, अगर वो दोनों समय में वापस जा सकते तो वो क्या विश करते। ये एक कहानी है जहाँ से सब कुछ लिखा जा सकता है।